दोस्तों, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले को भी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 72 रन से अपने नाम कर लिया है। यानी कि दो मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीत दर्ज कर इस सीरीज को अपने हक में ले लिया है। लेकिन दोस्तों, अभी भी तीसरा टी20 मैच बाकी है। ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि न्यूजीलैंड जैसी टीम क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मुकाबले को भी हार जाएगी, या फिर यहां पर एक मुकाबला जीतकर वो ऑस्ट्रेलिया को मार देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट लाइन गुरु के सेगमेंट प्री मैच एनालिसिस में, जहां पर आज हम चर्चा करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के थर्ड टी20 मैच को, जो कि एडन पार्क ऑकलैंड में खेला जाएगा 25 फरवरी संडे के दिन सुबह 5:30 बजे। यहां के पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इस पिच पर खेले गए हैं टोटल मैचेस 25, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 11 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 12 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। दो मुकाबले इस पिच पर टाए रहे हैं। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम का रहा है 169 का। हाईएस्ट स्कोर यहां पर बनाया है न्यूजीलैंड की टीम ने 243 का, तो वही लोएस्ट स्कोर बांग्लादेश की टीम के नाम दर्ज है, जिन्होंने 10 विकेट पर 76 रन स्कोर किए थे। स्कोरिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो देखिए, स्कोर बिलो 150 इस पिच पर बना है 7 टाइम्स, स्कोर बिटवीन 150 एंड 169 बना है 6 टाइम्स, स्कोर बिटवीन 170 एंड 189 बना है 7 टाइम्स, तो वही स्कोर अबव 190 बना है 5 टाइम्स। तो ये तो हो गई पिच रिपोर्ट की बात। हेड टू कंपैरिजन की बात करें, यानी कि कितनी बार दोनों टीम्स का आमना सामना हुआ है, तो देखिए 18 बार टी20 मैचेस में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम भिड़ती हुई नजर आई है, जिसमें से 10 मुकाबले जीते हैं न्यूजीलैंड की टीम ने, तो वहीं 8 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीत दर्ज की है। अब ऐसे में देखिए, दोनों टी20 मैचेस न्यूजीलैंड के हाथ से निकल चुके हैं, तो ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या तीसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड की टीम जीत दर्ज करती है। ऐसे में कौन से 11 खिलाड़ी होंगे, क्या यहां पर प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस किए जाएंगे, चलिए अब आपको बताते हैं न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो देखिए, यहां पर शामिल रह सकते हैं फिन एलन, विल यंग, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, जॉश क्लार्कसन, मिचेल सैंटनर, एडम मिलने, लॉकी फर्ग्यूसन, ट्रेंट बोल्ट और बेन सियार्स। न्यूजीलैंड के की प्लेयर्स की बात करें, तो देखिए, रचिन रविंद्रा को एक बार फिर से शामिल किया जा सकता है तीसरे टी20 मैच के लिए, और अगर उन्हें यहां पर जगह मिलती है प्लेइंग 11 में दोस्तों, तो देखिए, रचिन रविंद्रा ने भी पहले टी20 मैच में 68 रन बनाए थे, लेकिन अगर वो दूसरा टी20 मैच खेलते तो कहीं ना कहीं टीम के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता। अब देखने वाली बात होगी कि क्या तीसरे टी20 मैच में रचिन रविंद्रा को जगह मिलती है प्लेइंग 11 में या फिर नहीं। इनके अलावा ग्लेन फिलिप्स हैं, जिन्होंने 2 मैचेस में 61 रन स्कोर किए हैं। गेंदबाजों की बात करें, तो मिचेल सैंटनर हैं, जिन्होंने 4 विकेट निकाले है 2 मुकाबले खेलते हुए। लॉकी फर्ग्यूसन ने 5 विकेट लिए हैं 2 मैचेस खेलते हुए, और आखिरी नाम है एडम मिलने का, जिन्होंने 2 मैचेस में 3 विकेट्स अपने नाम किए हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 के बारे में। तो देखिए, 2 मुकाबलों में तो ऑस्ट्रेलिया की टीम न्यूजीलैंड को मात दे चुकी है, अब क्या यहां पर तीसरा टी20 मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया की टीम व्हाइट वॉश करना चाहेगी? तो ऐसे में दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में कौन से खिलाड़ी शामिल रह सकते हैं, उनके नाम भी आपको बता देते हैं। देखिए, यहां पर ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, जॉश इंग्लिस, टिम डेविड, मैथ्यू वेड, पैट कमिंस, नेथन एलिस, एडम जंपा और जॉश हेजलवुड हमें नजर आ सकते हैं। की प्लेयर्स की बात करें, तो ट्रेविस हेडन, जिन्होंने 2 मैचेस खेलते हुए 69 रन स्कोर किए हैं। अगला नाम है मिचेल मार्श का, जो कि एक अच्छे ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं टीम के लिए। अभी तक उन्होंने 2 मैचेस में 98 रन स्कोर किए हैं, साथ ही 2 विकेट भी अपने नाम किए हैं। इनके अलावा टिम डेविड हैं, जिन्होंने 2 मैचेस में 48 रन बनाए हैं। इनके अलावा अगर गेंदबाजों पर नजर डालें, तो देखिए, नेथन एलिस हैं, जिन्होंने 1 मैच में 2 विकेट निकाले थे। साथ ही आखिरी नाम हमने शामिल किया है एडम जंपा का, जिन्होंने सेकंड टी20 मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए थे। तो ये हो गए ऑस्ट्रेलिया के वो खिलाड़ी जो कि इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन के साथ एक बार फिर से नजर आ सकते हैं। फाइनली कंक्लूजन की बात करें दोस्तों, तो देखिए, यहां पर नो डाउट ऑस्ट्रेलिया की टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जिस तरीके का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया की टीम टी20 वर्ल्ड कप से पहले दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं बाकी टीम्स को यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम से बचकर रहना पड़ेगा, और यहां पर न्यूजीलैंड की टीम को भी करारी शिकस्त देती हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम दिखाई दे रही है। यानी कि तीसरा टी20 मैच जीतकर सीरीज को ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने नाम करती हुई नजर आ सकती है। वेल, आपके हिसाब से क्या यहां पर न्यूजीलैंड की टीम मात्र एक मुकाबला जीतने में कामयाब रहेगी, या फिर यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम न्यूजीलैंड को शिकस्त देती हुई नजर आएगी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो पर लगाते हैं फिलहाल विराम। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।